अब प्रतिदिन 5,000 श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकेंगे। इनमें जम्मू कश्मीर के 4,500 और अन्य राज्यों से 500 यात्री आ सकते हैं। इससे पहले रोजाना 2,000 श्रद्धालुओं को यात्रा करने की अनुमति थी, जिसमें 1,500 स्थानीय व 500 अन्य राज्यों के थे। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अनुसार 30 सितंबर तक आने वाले सभी श्रद्धालुओं को ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। जम्मू कश्मीर के श्रद्धालुओं का माँ वैष्णो देवी के प्रवेश द्वार पर कोरोना का रैपिड टेस्ट करवाना पहले की तरह जारी रहेगा। वहीं दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालु अपने साथ कोविड टेस्ट रिपोर्ट लेकर आए, जिसकी वैधता 48 घंटे यानी 2 दिन रखी गई है।